संभल किया है, ऐसे रहेंगे तो ये गिर जाता है। बहुत प्रिटी लगता है। अमेजोन से ही ऑर्डर करी थी, तो ये ऐसे कारपेट बिछा के एक लुक आ जाता है। इस पर रैंडमली रख लिया, मतलब ऐसा समझो कि ये टेम्पल रखने के लिए ही बना हो। ये और ये मेरा बहुत अच्छा निकला, बहुत प्रिटी लुक देता है, ये भी अच्छा निकला। मैंने अमेजोन से मंगवाया था लाइट वाला स्टैंड, ये सब अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है मैंने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, होप अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, तो मेरा कुरियर आया था, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ कि कुरियर में मैंने क्या मंगवाया है। मैंने मंगवाए थे अमेजोन से क्रॉकरी सेट, मैंने सब्जियाँ रखने के लिए, मतलब जो सब्जी और दाल वगैरह रखने के लिए रहते हैं ना पॉट्स, वो मंगवाए थे, क्योंकि मेरे सारी क्रॉकरी थोड़ी थोड़ी करके टूट गई है, तो सोचा मंगवाई लूँ। तो मैंने ये सेलो का मंगवाया था ओपल वेयर, बहुत ही ऑसम निकला, 3 पीस का है ये, ग्रीन ऑर्चर्ड कलर में है। तो आप लोग भी देखिए, ये मैंने 3 साइज के मंगवाए, एक छोटा वाला निकला है, एक मीडियम, एक लार्ज। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने सब्जी और दाल वगैरह रखने के लिए मंगवाया, तो ये एयर टाइट नहीं है, इसमें से एयर निकल सकती है कि ताकि भाप वगैरह स्टीम निकल जाए, और माइक्रोवेव प्रूफ है ये, तो माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छे लगे, कलर वाइज भी क्वालिटी वाइज भी, ऐसे इजीली ओपन हो जाता है, डाइनिंग टेबल पर रख दो इसको तो डाइनिंग टेबल का लुक भी मेरा ऑसम हो जाएगा। तो मेरे को तो बहुत पसंद आए ये। इसका डब्बा भी मैं रीयूज़ कर लूँगी किसी चार्जिंग और लीड वगैरह रखने के लिए, इसमें बच्चों के शूज़ रख लूँगी। तो लास्टली मुझे तो बहुत पसंद आया ये। ये मेरे को अमेजोन से मैंने मंगवाया था, मुझे 729 रुपीस का पड़ा ये। चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अमेजोन से कौन कौन सी चीज़ें ऑर्डर करी थी अपने लिविंग रूम के लिए स्पेशली, बिकॉज मैंने 80% अपने लिविंग रूम में अमेजोन से ही चीज़ें मंगवाई हैं। पहला तो ये मैंने बुक शेल्फ ऑर्डर करी थी, बट ये आया कॉर्नर टाइप्स में, थोड़ा छोटा मिला मुझे, बट ये थोड़ा सा हैवी था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने इसको रख लिया, तो मैंने एज अ कॉर्नर इसको यूज़ कर लिया। ये मुझे 999 का पड़ा था, मतलब 1000 तक का। से भी इसका लिंक चाहिए आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ये मैंने ऑर्डर किया था स्टैंड वाली लाइट, डेकोरेटिव पीस है ये भी, बट ऐसी कोई शाम नहीं है जब से ये आया और हम इसको जला के ना रखते हो, सीरियसली बहुत औसम था ये। बच्चों ने गिरा दिया था, तो यहाँ पे सुरेंद्र जी ने जुगाड़ लगा के इसको ठीक कर दिया, तो ये ठीक हो गया। इसकी क्या है ना, लेग्स हमेशा ऐसे ओपन करके रखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए ना तो ये गिर जाता है, बट ये लुक बहुत अच्छा देता है। ऐसे सोफे के साइड में ऐसे कॉर्नर लगा दो और साइड में लाइटिंग जली हो, तो इवनिंग में बहुत ऑसम लुक देता है। ये सोफ़ा मैंने 3-3.5 साल पहले मंगवाया था, दिवाली पे डिस्काउंट चल रहा था, तो मुझे 10,000 का एक पीस ये 3 पीस वाला काउच पड़ा था, तो ये बहुत अच्छा निकला है। अभी तक तो बच्चों ने काफ़ी रफ़ यूज़ किया है इसको, बट क्या है ना, अभी थोड़ा सा यह यहाँ से हार्ड हो गया है और थोड़ा नीचे बैठ गया है सोफ़ा, बट यार 10,000 में बच्चों के साथ, वो भी छोटे छोटे बच्चे, तो मेरे को ये ठीक ही लगा। एक्चुअली हम लोगों की क्या ट्रांसफरेबल जॉब है, तो उसके लिए मैंने ये वाली टेबल और ये सोफ़ा साथ में ही मंगवाया था। ये मुझे 2-2.5 हज़ार की पड़ी थी ये टेबल, तो ये भी काफ़ी अच्छी निकली मेरी, बिकॉज़ ट्रांसफरेबल जॉब में क्या है ना, सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं तो ख़राब हो जाती हैं, और ये क्या है, ये ऐसा है कि डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सारी चीज़ें अलग अलग आई थी। ये सोफ़ा तो मेरा 1 पीस ही आया था पूरा ऐसे ही, लेकिन ये टेबल सुरेंद्र जी ने असेंबल करी थी, इसके संग एक बुकलेट आई थी और सारी चीज़ें नट बोल्ट वगैरह सब आया था, इजीली असेंबल हो गया। तभी मैंने इसके साथ ये चेयर मंगवाई थी, ये 4 चेयर हैं अभी, तो ये 2 ही दिख रही हैं, बट बहुत अच्छी निकली, ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें मैं भी बैठ जाती हूँ, सुरेंद्र जी भी बैठ जाते हैं, तो इन पे ये दोनों बैठ के ड्राइंग, कलरिंग कुछ भी करते हैं इस टेबल पे बैठ के ना। तो ये एक चेयर मुझे 400 और 500 की पड़ी थी, तो ये ऐसे कारपेट बिछा के एक लुक आ जाता है। ये एक और कॉर्नर था, मैंने जो पहले वाला कॉर्नर था ना उसके साथ ही मंगवाया था, ये मेरे को 2000 का पड़ा था, ये भी सुरेंद्र जी ने असेंबल किया जब ये आया। सोचा था ये थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन ये भी छोटा ही आया, लेकिन ये भी मैंने रख लिया, बिकॉज़ मैंने आइडिया लगाया रैंडमली कि ये मेरे मंदिर के साइज़ का आया है और बहुत अच्छा लुक भी दे रहा था, स्ट्रॉन्ग भी था,
तो मैंने जब इस पे मंदिर रखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा लग रहा था जैसे पर्टिकुलरली इसी मंदिर के लिए मैंने ये मंगवाई हो या बनवाई हो। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने अमेज़ोन से लिया, ऐसा लग रहा था कि इसी के लिए, मंदिर रखने के लिए मैंने बनवाई है, तो मैंने ये रख लिया। अब ये मैंने दो स्टूल मंगवाए थे, दो पेयर में आए थे, 3,000 के मुझे पड़े थे ये स्टूल। तो मैंने एक स्टूल यहाँ पे रख लिया मंदिर के सामने, इसमें बैठ के मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। एक मैंने यहाँ रख लिया। वैसे तो लोग इसको लॉन वगैरह में रखते हैं बाहर ना, गार्डन एरिया में, लेकिन मैंने अंदर ही रख लिया। और मैंने ब्लू कलर का मंगवाया क्योंकि ये मेरे सोफ़े के साथ का लग रहा था मेरे को ना, ब्लू कलर का सोफ़ा, ब्लू कलर का ये। तो इसमें और भी कलर हैं, आप अमेज़ोन पे सर्च करेंगे ना तो आपको कलर भी मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। ये मैंने बीन बैग मंगवाया था, ये तो बीन बैग का फुट है। वैसे बीन बैग जो है वो ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें क्या था, ये विदाउट बीन्स आई थी। मैंने दो बैग बीन्स भी ऑर्डर करी थी बट सारी इसी में ही आ गई, तो वो मेरा खाली पड़ा हुआ है। जब मैं उसमें मैं बीन्स भरूंगी तब आपको दिखाती हूँ। तो ये भी मेरा मुझे अच्छा ही लगा था, ये 1,300 का पड़ा मुझे। ये वॉल हैंगिंग कॉर्नर मैंने लिया था, ये रेड कलर का था अमेज़ोन पर, तो मैंने यही ऑर्डर करा। इसका प्राइस मैं भूल गई हूँ, बहुत पहले किया था। और साथ में मैंने ये की होल्डर भी किया था, ये दिवाली के टाइम ही करा था मैंने, जब सोफ़ा किया था ना 3-4 साल पहले, तब ये मैंने ऑर्डर किया था। ये आप अमेज़ोन पे सर्च करोगे की होल्डर पर तो ये पहले पे ही आ जाएगा, आपको दिख जाएगा ये। ये ओसाका का स्टैंड, लाइट स्टैंड मैंने ये अभी व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो ये तो अभी मंगवाया था मैंने, आई थिंक हार्डली 10 दिन ही हुए हैं। तो ये ऐसे करके ऊपर नीचे हो जाता है, 10 इंच का है ये। ये मेरे को 1,500 का पड़ा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। मतलब एक जगह आप जैसे कुकिंग का व्लॉगिंग बनाना हो तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, और लाइट भी है इसमें तो प्रॉपर लाइट भी मिल जाती है। यहाँ सुरेन जी भी आ गए हैं अभी। तो ये मैंने झूले भी अमेज़ोन से ही मंगवाए थे, ये स्लाइडिंग, और ये रेड कलर की ये छोटी सी जो गाड़ी है ना, ये परिक्रमित के लिए, तो ये भी अमेज़ॉन का ही प्रोडक्ट है। चलो सुरेन जी सब्जी भी ले आए हैं, शाम का टाइम हो गया है, फ़ोन पे बातें चल रही हैं इनकी। तो अपनी मेरे जो किचन अप्लाइंसेज हैं जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं और भी हाउस होल्ड के हैं, उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी आराम से ना, अभी मैं केवल लिविंग रूम और ये छोटी मोटी चीज़ें ही आपको दिखा रही हूँ। दूसरा एक और चीज़ है वो जो मैंने बेडरूम में रख दिया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो 6 बजने वाले हैं यार, चाय वाय भी बनानी है। ये देखो, ये ना मैंने एक काउच सा ऑर्डर किया था, ये मैंने बेसिकली क्या था, डाइनिंग टेबल के साइड में रखने के लिए किया था, और इसमें स्टोरेज के भी सामान रखने के लिए चीज़ें हैं। ये मैंने विंटर के सामान इसमें रख दिया है, तो मतलब मस्त एकदम लग्जूरियस सा इसको लुक आया था। वैसे ये महंगी बहुत पड़ी थी मुझे, 7,000 की पड़ी थी। ये एक और कॉर्नर है जो मैंने साथ में ही ऑर्डर किया था, ये तो शायद 1,000 रुपये तक का ही है। तो ये क्या है, आराम से इसमें लैंप वगैरह रख कर कुछ भी, मतलब मैंने बेडरूम में इसको रख दिया, अभी परीक्षित की बुक्स वगैरह इसमें रखी हुई हैं। ऐसे लैंप रख कर भी आप एक लुक दे सकते हो उसमें ना। तो ये भी हीरा मोती से ही मैंने ऑर्डर किया था। ये यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़, ये टीवी टेबल, ये सॉलिमो की है। सीरियसली सॉलिमो, अमेज़ॉन में आप सॉलिमो पे जाके कोई भी चीज़ ऑर्डर करोगे ना, वो औसम ही निकलती है। ये बच्चों ने तोड़ दिया है इसका एक डोर, यहाँ से जब आया ही आया था 5वें दिन ये तोड़ दिया इन्होंने। तो ये क्या है, छोटे बच्चों के घर में थोड़ा सा डेलिकेटेड आइटम है, वैसे बहुत मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। इसमें मैंने ऐसे ये रखे हुए हैं सामान, तो मतलब ये टीवी शेल्फ अच्छी लगी मुझे। पीछे से इसमें वो भी दे रखे हैं वायर वगैरह जाने के लिए ना, होल दे रखे हैं। म्यूज़िक प्लेयर, डिश टीवी, किसी का भी पीछे से इसमें वायर जा सकता है। इसको असेंबल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक बंदा आया था अमेज़ॉन से, और उसने असेंबल करके हमें दिया था ये प्रॉपर। ये मैंने पेंटिंग्स ऑर्डर करी थी, 250-300 की थी आई थिंक, तो ये भी अच्छी थी। ये परीक्षित का यहाँ शाम वाला स्नैक्स चल रहा है, मैंने इसको दूध कॉर्नफ्लेक्स दिया है, बिकॉज 1 बजे ये लोग लंच करते हैं, 1:30 बजे, तो शाम को 6 बजे भूख लग जाती है बच्चों को, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसे ही इनको दे देती हूँ शाम को चाय के टाइम पर। तो ये सारा लुक है मेरा, ये सारी मेरी परचेजिंग है। किसी को भी अगर कोई भी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं उसे पर्सनली दे दूंगी, और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो रणवित को भी उठा देती हूँ, बहुत सो लिया, इसको भी फिर मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स देती हूँ।
ये एक और चीज़ आ रही है तो मैं भूल ही गई, बेडरूम में ये मैंने ब्लैक कलर के पर्दे मंगवाए थे, ये इतने औसम पर्दे हैं ना यार, आप दिन में बिलीव नहीं करोगे, एक भी लाइट नहीं आती है इसमें से। बड़े थोड़े कॉस्टली थे, मुझे एक पर्दा ही 400 का पड़ा था ये, तो मैंने ये 4 मंगवाए थे, बट लेकिन औसम है यार ये। मैंने ये जो बास्केट है ना, लॉन्ड्री बास्केट, ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी, ये मशीन का कवर, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मैं इस पर एक अच्छे से वीडियो बाद में ही बनाऊँगी, यहाँ मैं शाम के लिए तैयार हो रही हूँ पूजा करने के लिए। परीक्षित का फ्रेंड भी आ गया है हितांश खेलने के लिए, यहाँ सुरेन जी तैयार हो गए नहा धो के चाय पीने के लिए, पूजा करने के बाद चाय बनाऊँगी। रणवीर भी उठ गया है अभी। एक सुबह 6 बजे और एक शाम को 6:30 बजे। कालू ज़रूर आता है दूध पीने, तो कालू का पहले दूध दे देती हूँ। कालू इज़ वेटिंग फॉर हिज दूध। चलो कालू आ जाओ बेटा। ये रहा रन्नू का दूध कॉर्नफ्लेक्स, यहाँ सुरेन जी की चाय बन गई है, तो मैं और सुरेन जी अपनी चाय एंजॉय करेंगे। शाम को सुरेन जी को थोड़ा भूख लगती है, तो मैं लंच टाइम में ना 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, तो सुरेन जी को मैं वही शाम को दे देती हूँ। फिर हम ये खा पी के अपना वॉकिंग वगैरह करेंगे, बच्चे अपना बाहर खेलेंगे और हम लोग वॉक करेंगे। 8:30 बजे तक हम घर आ जाएंगे, उसके बाद फिर डिनर बनाऊंगी, 9:30 बजे तक हम डिनर कर लेते हैं। तो ये था हमारा इवनिंग रूटीन, तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर हमारा इवनिंग रूटीन और मेरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रनू पीकू एंड मॉम ब्लॉग। बच गए 7, बाय बाय।